अभी नाश्ता करने के बाद, नाश्ता क्या, मैंने लंच ही कर लिया था, और लंच करने के बाद फिर मैं सो गई थी, सोकर मैं अभी उठी हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चलो अपना हेयर कट कर लूँ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं घर पर ही कैसे यू नो वी शेप में आप अपने हेयर को बहुत ईजिली काट सकते हो अगर आपके बाल लंबे हैं तो भी। ओके, तो मैं दिखाऊँ आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको चाहिए कॉम्ब, वेरी ऑब्वियस। उसके बाद आपको चाहिए एक सीजर, वेरी ऑब्वियस। उसके बाद आपको चाहिए एक न्यूज़पेपर नीचे बिछाने के लिए, या कोई भी यू नो आप रफ कपड़ा भी ले लो, जिससे यू नो आप जहाँ पे भी कटिंग कर रहे हो वो एरिया क्लीन रहे, ठीक है। तो देखो मैंने करना क्या है, कुछ भी नहीं, पहले अपने हेयर्स को आप अच्छे से डिटैंगल कर लो। रुक जाओ भाई, मैं ज़रा डिटैंगल कर लूँ अपने हेयर्स को। मेरे बाल ना काफी लंबे हो रखे हैं आजकल, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मुझे कटिंग करना ही है तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कमर के नीचे बाल नहीं रखते हैं, कमर के नीचे आप ज्यादा लॉन्ग हेयर क्यों ना सही नहीं होता रखना। मैंने कहा चलो मैं दिखा दूं। तो ये मेरे हेयर वन साइड के हो गए हैं डिटैंगल बहुत अच्छे से। नाउ द अदर साइड। क्यों बेटू, क्या हो गया, खोल दो शूज, वन सेकेंड। ये कम दिस साइड, यहाँ यहाँ जा। वो फिनिश हो गया तुम्हारा? हैं छः, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो यू नो एंड करूँ, उसके बाद फिर मैं इसे अपलोड पे डाल दूंगी, वरना फिर आप लोगों को फिर लेट वीडियो मिलेगा। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लूँ थोड़ा ये काम भी। तो ये हो गए मेरे हेयर बहुत ही अच्छे से। देखो ये मेरे कमर के नीचे चले गए हैं मेरे हेयर्स, ये देखो बहुत लंबे हैं। और मुझे बैंग्स भी काटना है, बैंग्स मींस ये जो सामने का जो पोर्शन होता है ना ये, बिकॉज देखो मेरे गाल जो है फुल हो गए, बट उसकी वजह से देखो ना ये दुबले दुबले से लगते हैं ना, मुझे चब्बी चिक्स पसंद है मेरे। चलो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लचर चाहिए, रुको मैं क्लचर लेकर आती हूँ। मेरे क्लचर्स, ओप्स, मेरे क्लचर्स। देखो अब आपने करना क्या है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, अच्छे से आप कर लो इसे, पिलो हटाओ भाई वरना यू नो वन मिनट थोड़ा सा यू नो शेक होगा ये। मेरा बेटू है यहाँ पे, देखो आप इसे हाय बोल दो ऑल सबको, हाय, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, पूछो हाउ आर यू ऑल, पूछो कैसे हैं आप सब। हाँ काट रही, चलो मैं इधर शिफ्ट हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो देखो मम्मा। हाँ जी बेटा, काट अपने बालों को काफी अच्छे से, यू नो आपको डिटैंगल करना है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी करके, ठीक है, ताकि यू नो कोई भी अगर यू नो कोई भी गांठ या ऐसा कुछ उलझन अगर रह जाएगी तो फिर आपके हेयर्स जो है वो सही शेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने पहले सोचा ना कि मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूं, फिर मुझे लगा क्या करना यार अलग से वीडियो बना के, मम्मा। हाँ बेटा, राजा ये
एलिफेंट का ट्रंक जैसा लग रहा है नारू। किडिंग। चलो अभी हेयर कट करें। देखो तो पहले आपने इसे अच्छे से ऐसे बिल्कुल प्लेन यू नो इक्वल कर लेना है। माँ ये तो निकल गया। देखो यही गलती आप लोग मत करना, पहले अच्छे से अपने हेयर को सिक्योर कर लेना, ठीक है। मैं पैंड ही लगा लूं क्या, बाल मोटे हैं और ये छोटा हो जा रहा है। रुक जाओ भाई मैं बैंड लगा लूं थोड़ा। मम्मा। हाँ जी बेटा जी। आती है, लो भाई माइक भी मैंने लगा लिया, अब तो आवाज आएगी। अब मत कहना कि आवाज नहीं आती है। ये देखो आप, ये हो गए मेरे हेयर सिक्योर, ठीक है, काफी अच्छे से। और अब करना कुछ नहीं है हमें, मैं यहाँ से कितने हेयर्स करूँ, मैं इतने से यहाँ पे हेयर्स लूंगी, ठीक है। दिस वन। बेटू गया अपनी मौसी के पास, तो हमें लेना है ये हेयर, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बस स्ट्रेट स्ट्रेट हमें काट देना है। यूपी, ये देखो ये मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रेट काट दिया, ये हो गया। ये देखो आप, मैंने बहुत सारे हेयर्स काट दिए यार, मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, आई डोंट नो व्हाई। मैं पहले हेयर्स कट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोती हूँ कि मैंने हेयर्स क्यों कट किए अपने। यू वांट टू वेयर शूज? रुको मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, 1 मिनट। लाइट चली गई है तो प्लीज हाँ देख लेना थोड़ा सा, दे रही हूँ इसे मैं, जरा शूज दे दूँ। क्लोज द डोर बेटा, वरना फिर तुम बाहर हल्ला करोगे, यहाँ ये लोग कहेंगे कि आवाजें आ रही हैं। ये जो तुम जाओ, मम्मा कर लेगी, जाओ जाओ जाओ, लो 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 शूज लेके जाओ, मम्मा कर लेगी। हाँ ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे पकड़ो, जाओ स्लोली जाना। तो ये देखो आप, अब मुझे गर्मी लग रही है, लाइट भी चली गई है, तो मैं आपको थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ। ये मुझे ना अपने ऐसे वेवी और वेवी हेयर ना बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे सेमी क्या कहते हैं इसे, फ्रीजी तो नहीं कहेंगे, सेमी वेवी और कर्ली हेयर। फिर भी देखो इतने लंबे, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ एक्चुअली में कैसे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कैसे, अच्छा रुको मैं उठ कर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, देखा आपने? रुक जाओ यार माइक लगा लूं। ठीक है, अब ये हेयर्स तो हो गए हमारे कट गए, अब हम लोग थोड़ा सा सामने के बैंग्स भी काट लेते हैं, जब हमने इतना बाल काट लिया है तो फिर क्या है ना। चलो सामने के बैंग्स काट लिए जाए, बड़ी गर्मी लग रही है यार, बाय गॉड।
आपको पता है मैंने आज एक चीज़ नोटिस की, मेरे हस्बैंड का बर्थडे तो आज है, ठीक है, 17th of September। साथ में पता है वो ना अपना बर्थडे किसके साथ शेयर करते हैं? सोचो सोचो, हमारे पीएम के साथ, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो विशिंग ऑल्सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे है ना नरेंद्र मोदी को। भाई हस्बैंड को मैंने बोल दिया है, को तो मैंने अभी तक आई डोंट नो कितनी बार मैंने और बेटू ने बर्थडे विश किया है। नहीं, मैं इतने सारे बाल नहीं काटूंगी सामने से, मुझे थोड़े से बाल कट करने हैं। आई थिंक इतने बाल नहीं, इतने से, और पीछे के बाल को हम लेकर यू नो क्लच कर लेंगे ताकि यू नो सारे बाल जो है वो। यस बेटू, हाँ हाँ, गिर गया। क्या गिर गया सुनो? क्या गिर गया बेटू? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो ये हो गया ऐसे, और अब आपको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, यू नो बिल्कुल स्ट्रेट। आरू, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आपको यस कर लेने हैं। आए हाय, इधर से मैंने ज़्यादा ले लिया क्या? नहीं लिए तो मैंने सेम ही है, बट क्यों मैं पीछे कितने बाल काटूं? आरू, आरू प्लीज क्लोज द डोर ना बेटा, डोर को क्लोज कर दो। यहाँ वाला बेटा, कोई मुझे ऐसे अंधेरे में देखे तो डर जाए ना। चलो ये मैंने ऐसे कट कर लिए, नहीं मतलब मैंने ऐसे डिवाइड कर लिए, पार्टीशन हो गया हमारा मिडल से। और अब क्या करना है, हमें ऐसे पकड़ना है इस वे में, ठीक है, ये ऐसे लाइक दिस, ऐसे ये लाइक दिस, ओके। हाँ मैंने सीज़र का, हाँ सीज़र तो यही है, ये मैंने ऐसे कट कर लिया। ये देख लो आप स्टेप, ये मैंने ऐसे ऐसे, एंड नाउ जिस शेप में हमने अपने हैंड्स को रखा है ना, फिंगर्स को, उसी शेप में हमें यहाँ ऐसे कट कर लेना है। ठीक है, ये देखो आप, ये यहाँ से ऐसे ये ना स्लाइड जैसा बन जाता है, बहुत प्यारा सा लुक आता है ये। आरो, प्लीज क्लोज द डोर। आरो, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। ये भी हमने इधर कटक कट किया बेटा, बड़े ही उबड़ खाबड़ हो रखे थे मेरे हेयर्स, मैंने कहा चलो आज कट कर ही लिया जाए, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। ये देखो, देखो इस साइड में और इस साइड में कितना डिफरेंस आ गया ना। अया चलो ये हो गया कंप्लीट, एंड नाउ दिस साइड, इस साइड मैंने ना आज हेयर वॉश तो किए थे और फिर भी ये थोड़े से मुड़ गए हैं, तो ये इधर हमने ऐसा पकड़ना है, ठीक है। ये देखो ऐसे हमने पकड़ लिया और इसे इस तरह से, यस ये मैंने ऐसे काट दिया।
यूपी। फिर ऐसे हमने डिवाइड किया, ये उसको काफी अच्छे से डिवाइड करना है आपने, ठीक है। फिर ऐसे हमने पकड़ना है और बस हैंड के पोजीशन में, और इससे ऐसे कट कर देना है। ये देखो आप, अब देखो डिफरेंस, आप ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, ये हो गए हैं सेम। और ये माय हेयर कट इज डन। मैंने पहले सोचा ना कि मैं अलग से यू नो इस पे एक वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या अलग से वीडियो बनाना, आप लोग इसी में देख लो, है ना। आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं, तो मैंने गिव अवे के बारे में पूछा है, तो आप लोग वो भी बता देना, ठीक है, कि मैं गिव अवे में क्या रखूं। पेटीएम चाहिए तो वो भी बता देना, मैं सोचूंगी मैं पेटीएम रखूं, ठीक है। कुछ अमाउंट का मैं पेटीएम रखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, तो कॉम्पिटिशन आप लोगों में कम होगा, आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ओके। और उसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, कि आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है उस पेटीएम को पाने के लिए। वो सिर्फ एक मेरा वे होगा, यू नो, आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, आप लोगों ने जो मुझे यू नो जो मुझे सपोर्ट किया है, मुझे आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मुझे अपना सपोर्ट दिखाया, तो बस मैं वो यू नो अपनी तरफ से मैं आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा कुछ करना चाहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका यू नो जो जो रिजल्ट है वो लाइव आके दूँ, अभी ऐसा मैंने सोचा है, आई डोंट नो मैं करूँ क्या होगा। और तो चलो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। मैं देखो, मुझे ना हेयर कट करके ना बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा बुरा लगता है कि मेरे इतने बाल कट जाते हैं, बट कोई नहीं, हेयर है ये तो फिर से मैं बढ़ा लूंगी, इसमें क्या है, थोड़ी सी केयर करनी है और हेयर फिर से बढ़ जाएंगे आपके, है ना। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि गर्मी लग रही है यार, लाइट नहीं है। और हाँ, तो चलो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मेरा बेटा भी रो रहा है, तो फिर चलो बाय 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 बाय।